आदर्श घोटाले की फाइलों में आग ही लगवा दी, बिल्डिंग को ही आग लगवा दी। अब कोयला घोटाले की फाइलें क्या भूत उठा करके ले गया या भूतनी उठा के ले गई अमेरिका? अच्छा, ये अमेरिका कौन सी भूतनी रहती है भाई? कौन ले गया कोयला घोटाले की फाइलें मेरे भाई? अरे भाई, ऐसे कहां से मंत्रालयों से एक कागज नहीं उठा सकता कोई, और यदि ऐसे इनके हाथ से कुछ भी उठ सकता है तो देश में कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर तो चीन भी हमला कर सकता, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर सकता, सारी दुनिया तो मुंह भाए खड़ी है। इसका मतलब ये भरोसेमंद लोग नहीं है भाई बहनों, ये इतने जाहिल हैं। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह को आज तक ये शहीद नहीं मानते, क्या आपको इस बात का पता है? चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह और देश की आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में वार क्रिमिनल माना है, वार क्रिमिनल माना है। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव को आज तक ये शहीद नहीं मानते, और पिछले दिनों तो बात बहुत उठी तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी बेशर्मी से कह देते हैं ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इसके बारे में सरकार सोचेगी। आजादी के 67 वर्षों के बाद भी ये अपने शहीदों के प्रति इतने कृतज्ञ हैं, ये शहीदों का अपमान करने वाली पार्टी है, इसको हिंदुस्तान पर शासन करने का कोई हक नहीं है। हर एक